नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 15 नवंबर 2005 की रात नक्सलियों ने हमला बोल जहानाबाद जेल ब्रेक को अंजाम दिया था, पर 19 साल बाद जो औरंगाबाद में हुआ वो तो गजब का खेला है। खेला ऐसा हुआ कि न तो घटना की अभी ठीक से तारीख मालूम है और न ही अपराधियों का कोई सुराग मिला है। बावजूद पुलिस अंधेरे में तीर दाग रही है, यानी लकीर जरूर पीट रही है। सुखद बात यह है कि यहां से कैदी भागे नहीं है, क्योंकि मामला ही कुछ और है। दरअसल अपराधियों ने न केवल जेल गेट को फूंका है, बल्कि थोक के भाव में लाखों के साजो सामान भी गायब और क्षतिग्रस्त किए हैं। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन की लापरवाही से देश की आन बान और शान, तिरंगे झंडे का भी अपमान हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि कल तक तो जेल प्रशासन को भी इसका पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मीडिया के माध्यम से पता चला, वैसे ही जेल प्रशासन ने औरंगाबाद नगर थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी। अज्ञात अपराधियों को आरोपी बना डाला, मतलब अपना दामन बचाने की पूरी कोशिश कर डाली, पर दाग तो चुनरी वाली है। यही वजह है कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे वाली बात यहां भी लागू होने लगी है। दाग तो तब छूटेगी जब जेल प्रशासन के पास माकूल जवाब होगा, जो है ही नहीं। पुराने औरंगाबाद मंडल कारा का मामला है। दरअसल मामला औरंगाबाद मंडल कारा से जुड़ा है। मंडल कारा की क्षमता पहले करीब 400 कैदियों की थी, वहीं क्षमता से 4 गुना के लगभग कैदी रहा करते थे। लिहाजा जरूरत पड़ने पर औरंगाबाद मुफस्सिल थाना के बगल में बड़े परिसर में मंडल कारा का नया भवन बना दिया गया। भवन बनने के बाद सारे के सारे कैदी, जेल पुलिस और अधिकारी 1 मई 2023 को वहां शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग के बाद भी पुराना मंडल कारा भवन जेल प्रशासन के ही नियंत्रण में रहा। पुराने भवन को नियंत्रण में रखने के बाद कुछ समय तक तो जेल प्रशासन ने पुलिस की तैनाती रखी, लेकिन जेल में कर्मियों की कमी के कारण उन्हें वापस बुला लिया, लिहाजा पुराना जेल सूना हो गया। जेल को सूना करने के बाद जेल प्रशासन ने औरंगाबाद नगर थाना को रात्रि गश्ती के दौरान जेल परिसर को देख लेने की जिम्मेवारी देकर पुराने जेल परिसर की सुरक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया। पुराने जेल की सुरक्षा से पिंड छुड़ाने के बाद इत्मीनान हो गया कारा प्रशासन। पुराने जेल की सुरक्षा का जिम्मा औरंगाबाद नगर थाना की गश्ती टीम को सौंपने के बाद कारा प्रशासन पूरी तरह इत्मीनान हो गया। कारा प्रशासन ने इस ओर से पूरी तरह नजरें मोड़ ली। वहीं पुलिस की गश्ती टीम रात में आती और जेल का बाहर से ही चक्कर लगाकर जाती रही। गश्ती दल ने कभी भी परिसर के अंदर दिन में भी जाकर मुआयना करना मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि यहां गजब का खेल हो गया है। हालांकि जेल प्रशासन ने तो पुराने जेल को लॉक कर रखा था, कहीं से किसी के घुसने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन गुंजाइश बनाई गई। पहले पुराने जेल के मेन गेट के बगल में बने सिपाही बैरक की खिड़कियों की सरिया उखाड़ ली गई, फिर खिड़कियों के पल्ले उखाड़ लिए गए, मतलब पुराने जेल परिसर के अंदर जाने का चोर दरवाजा खुल गया। पुराने जेल परिसर के अंदर जाने के लिए चोर दरवाजा खुलते ही असामाजिक तत्वों की पैठ सूने पड़े जेल के अंदर हो गई। इसके लिए उनके द्वारा चोर दरवाजे से घुसकर पहले जेल के अंदर लोहे के दूसरे मेन गेट का ताला तोड़ डाला गया, फिर उसके बाद बने लकड़ी के मोटे गेट को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद बिल्कुल जेल के अंदर मुलाकाती कक्ष, जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट कक्ष, महिला पुरुष कैदी वार्ड से लेकर किचन, टॉयलेट और जेल की छत के ऊपर जाने समेत परिसर के हर कोने तक जाने के लिए तोड़ तार करते हुए पूरा रास्ता ही खुल गया। इस तरह से रास्ता कब खुला, कितने दिन में खुला, इसकी दिन तारीख तो तय नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये सब 1-2 दिन में तो नहीं हो सकता, इसमें महीनों जरूर लगे होंगे। इसके बाद संभवतः रात के अंधेरे में असामाजिक तत्व पुराने जेल परिसर के अंदर लगी बिजली वायरिंग के वायर, स्विच बोर्ड, MCB बोर्ड, मोटर स्टार्टर, सोलर पैनल एवं अन्य सामान उखाड़ कर ले गए। वैसे तो शिफ्टिंग के बाद से पुराने जेल का मेन गेट रोज ही बंद नजर आता है, लेकिन मीडिया कर्मियों की नजर अचानक से खुले गेट पर पड़ी। कैंपस के अंदर कुछ हलचल दिखी, लिहाजा कौतूहलवश मीडिया कर्मी पुराने जेल परिसर के अंदर घुस गए। पता चला कि भवन निर्माण विभाग के लोग हैं, जो इस पूरे परिसर को किसी दूसरे सरकारी विभाग को सौंपे जाने के लिए सर्वे कर रहे हैं। इसके बाद जब मीडिया ने पूरे जेल परिसर का चप्पा चप्पा छान मारा, इसके बाद जो सब कुछ उजागर हुआ वो अब सबके सामने है।
तब तक ये सारी जिम्मेदारी सर आपकी बनती है। हमने नगर थाना को गश्ती के लिए लिखा था, बीच में गश्ती करते रहने के लिए बराबर, इसमें संभव क्या, इसमें क्या हम इसमें इस तरह का बताएं। आपने थाने को लिखा, थाना किया, गश्ती के लिए बताया गया था, गश्ती के लिए बराबर कहा गया था, इसमें दोषी का क्या बताया। इतने से गश्ती कर नहीं जाता था, अब तो देखना पड़ेगा किस तरह। ठीक है, औरंगाबाद 1523 को हमारा यहाँ शिफ्ट हो चुका है और पुराना जेल टाउन में है, तो उसका फिर वो बंद था काफ़ी समय से। आज हमारा रसीद उस्तज पाल गया था और भवन निर्माण वाले नापी जोखी करने गए थे अन्य कामों को लेकर के, इन लोगों द्वारा कहा गया कि जो दरवाज़ा वगैरह था लकड़ी का वो तोड़ ताड़ करके जला दिया है लगता है, और वायरिंग वगैरह कुछ नष्ट किया है। बाकी जो भी सामान था वहाँ का, 16 CCTV था, जो भी पंखा था, जो भी कंबल और बाकी, तो हमारा पूर्व में आ चुका है, कोई भी सामग्री हमारा था नहीं वहाँ, लेकिन ये दरवाज़ा वगैरह कोई तोड़ के, तो इसके लिए हमने नगर थाना को लिखा है और प्राथमिकी दर्ज कर और टेलीफोनिक भी वार्ता करके मैंने उन्हें। आपने प्राथमिकी कब दर्ज करवाई? अभी मैंने भेज दिया है चिट्ठी, नहीं मालूम चला तो अभी चिट्ठी भेजा है और टेलीफोनिक भी उन्हें खबर की है। आपका वहाँ तिरंगा भी धरती पर लगा हुआ है, मान लिया गया है तिरंगा को? तिरंगा तो हमारा वहाँ से हट चुका था, वहाँ से वो ले आए थे। सर है विजुअल है मेरे पास, हम लोग देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा इन लोगों से। तो सर कभी स्थानांतरण करने के बाद कभी आपने देखने की जरूरत नहीं समझी? शुरू में 3-4 महीने हम लोग वहाँ गार्ड भी रखे थे अपना, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा था, फिर यहाँ पर बल की बहुत कमी है तो गार्ड को वहाँ से बुला लिया गया था, 2-3 गार्ड वहाँ था फिर उसे बुला लिया गया था। मैंने देखा सर बिजली उपकरण में लाखों की संपत्ति चुराई गई है। नहीं नहीं, बिजली उपकरण में वायरिंग वगैरह तोड़ा होगा, वायरिंग सारे पैनल के MCB वगैरह सारे गायब, सब MCB वगैरह निकाला होगा तो सब होगा, माने बिजली का जो भी सामग्री किया होगा, लेकिन जो भी CCTV वगैरह ये सब जो भी हम लोग खोल के ले आए थे। जेल अधीक्षक ने कहा है कि उनके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, मामले की औरंगाबाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। कहा गया कि शिफ्टिंग के बाद कुछ माह तक जेल पुलिस पुराने परिसर में तैनात थी, बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें यहां बुला लिया गया। इसके बाद पुराने जेल परिसर की सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने लिखित रूप से औरंगाबाद नगर थाना से गश्ती के दौरान नजर बनाए रखने का आग्रह किया था। उन्होंने तिरंगे का अपमान के बाबत पूछे जाने पर कहा कि शिफ्टिंग के वक्त ही हमने सारे तिरंगे झंडे पुराने जेल परिसर से हटा लिए थे, ऐसा है तो देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।